नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में नई मेडिकल संबंधी जानकारी के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल पर एक वीडियो इश्नोफिलिया का पड़ा हुआ है, उसमें मैं कुछ घरेलू उपचार बताया हूं। इस वीडियो में आपको होम्योपैथिक दवा बताऊंगा, क्योंकि लोग सोचते रहते हैं कि कोई ऐसी दवा हो जो नुकसान ना करे और लंबे समय तक खा सके। वो इसलिए क्योंकि जो इश्नोफिलिया होता है वो एक एलर्जी वाला रोग होता है, जो कि जड़ से जाता नहीं है, बार बार परेशान करता रहता है। तो इसलिए मैं सोचा कि कोई ऐसी दवा बता दिया जाए जो कि लोगों को नुकसान ना करे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपको जो बता रहे हैं वो है होम्योपैथिक दवा एलन का इश्नोफिलिया ड्रॉप बोलते हैं, या फिर A85 के नंबर से आती है, यानी ए फॉर एलन का 85 नंबर की दवा होती है। इंडिकेशन बता दें कि ये क्यों किस में दिया जाता है। मेनली ये इश्नोफिलिया के लिए होता है। इश्नोफिलिया के जो लक्षण आते हैं, मेनली बार बार सर्दी जुकाम आता है, लोगों के गले में कुछ अटका हुआ फील होता है, और जिसमें कि जिसको कि थ्रोट इरिटेशन बोलते हैं, और जिसकी वजह से, क्योंकि बार बार सर्दी जुकाम होता है, इसकी वजह से उनको बॉडी में पेन होता रहता है। तो इस टाइप के जो लक्षण आते हैं, कई बार फीवर आता है, उसके बाद लगातार खांसी आती रहती है, लोग ब्लड की जांच नहीं कराते हैं, लेकिन इश्नोफिलिया बढ़ा होता है। फिर जाँच कराते हैं तो इश्नोफिल बढ़ा हुआ मिलता है। तो कुल मिलाकर जो इश्नोफिलिया होता है वो एक एलर्जी वाला रोग होता है, जो कि जड़ से जाता नहीं है। जड़ से जाने को तो चला जाता है, लेकिन पूरा इन्वायरमेंट जहां आप रह रहे हैं पूरा चेंज करना पड़ता है, यानी आप कहीं और चले जाए, जो कि संभव नहीं है। बहुत ही सुरक्षित जहां धूल धुआं ये सब ना रहे, तो ये बिना दवा के भी ठीक हो सकता है। तो लोग ये कर पाना संभव नहीं है, इसलिए हम ऐसी दवा लेके आए हैं। तो ये है एलन का 85 नंबर की दवा, जो कि आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है। दोस्तों, एलन की ये जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ये एलन की जो 85 नंबर दवा है, इसमें होम्योपैथिक की 13 जो इश्नोफिलिया के लिए दवा रिकमेंडेड है, वो सबको मिलाकर एक पेटेंट दवा बना दिया गया है। इसके जो कंपोजिशन की बात कर दें कि इसमें कौन कौन सी दवा मिली हुई है, तो इसमें एकोनाइट है, एलियम सीपा है, एंटीमटार्ट है, आर्सेनिक है, ब्रायोनिया है, कैल्केरिया कार्ब है, ड्रोसेरा है, हीपर सल्फ है, वेरेक्टम वेरिडी है, कैली कार्ब है, मर्क शॉल है, सेम्बुकस नाइग्रा है, और इपिकाक। तो ये 13 जो मेडिसिन है, इसको मिलाकर बनाया गया है। दोस्तों, इसको लेने का तरीका बता दें, यानी डोज कैसा है। जिनको इश्नोफिलिया की परेशानी रहती है, उसके लिए वो पेशेंट इसको होम्योपैथिक स्टोर से लाएंगे, और आधा कप पानी में 50 बूंद डालकर सुबह दोपहर शाम पीना है, और जब 4 दिन तो ऐसे करना है, और 4 दिन जब बीत जाए तो इस जो 50 ड्रॉप पी रहे थे इसको 30 ड्रॉप कर देना है, और सुबह दोपहर शाम लेते रहना है। दोस्तों, इश्नोफिलिया में सर्दियाँ लाभ मिलेगा, हो सकता है इश्नोफिलिया जड़ से भी ठीक हो सकता है, क्योंकि होम्योपैथिक ऐसी दवा होती है जो बहुत सारे रोगों को जड़ से ठीक कर देता है। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।